नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसल वास्तु कंसल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए ने नए विषय पर वीडियो बनाता रहता हूँ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सवा दो सौ से प्लस वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी उन सभी वीडियो को देखकर उनमें से अपने मतलब की खास जानकारी प्राप्त करके आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं मैंने अपनी सभी वीडियो बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में बनाई हुई है आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं आपको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो आप मेरी वीडियो देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं आज मैं आपको वेस्ट फेसिंग स्वीट शॉप के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ आपकी स्वीट शॉप पहले से बनी हुई है या आप अपनी नई स्वीट शॉप ओपन करने जा रहे हैं या आप अपनी स्वीट शॉप को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए आपकी अपनी स्वीट शॉप है और वो स्वीट शॉप आपने कुछ समय पहले रेनोवेट की जब से आपने स्वीट शॉप रेनोवेट की तब से आपका काम दिन प्रतिदिन ढीला होता चला गया कम होता चला गया और कर्ज बढ़ता चला गया जब तक पुरानी दुकान थी तब तक काम बहुत बढ़िया था जब भी जो भी व्यक्ति अपनी शॉप को रेनोवेट करता है तो वो ये चाहता है कि मैं पैसे तो लगा रहा हूं आज के काम के हिसाब से आज के समय के हिसाब से उसको उस तरीके से रेनोवेट करो। उन्होंने जब से अपनी शॉप रेनोवेट की तब से उनका काम दिन प्रतिदिन कम होता चला गया उन्होंने अपने यहां पर क्या क्या, क्या किया फेसिंग शॉप है फ्रंट में फिक्स ग्लास लगाया हुआ है और साउथ वेस्ट से उन्होंने अपने यहां पर अंदर आने की जो एंट्रेंस बनाई हुई है फ्रंट में उन्होंने एल शेप में अपना काउंटर लगाया हुआ है बैक साइड में उन्होंने अपना वर्कशॉप बनाई हुई है यहां पर उन्होंने अपने डिस्प्ले की हुई है काउंटर के अंदर उनकी अपनी स्वीट्स की डिस्प्ले आ गई और बैक साइड में उनके अपने और नमकिंस वगैरह की डिस्प्ले आ गई और नीचे के भाग में उनकी अपनी पैकिंग मटेरियल की स्टोरेज आ गई ऑनर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में बैठता है जिसका फेस साउथ की ओर है और यहीं पर उनका अपना एक स्टाफ बैठता है उसका भी फेस साउथ की ओर होता है कस्टमर जो आता है कस्टमर वो उनका यहाँ पर काउंटर पर आकर खड़ा हो जाता है इन्होंने अपने यहाँ पर अपनी वर्कशॉप भी बनाई हुई है यानी कारखाना भी बनाया हुआ है जहाँ पर वो अपनी मिठाइयाँ बनाते हैं अंदर जाने का जो रास्ता बनाया हुआ है उन्होंने अंदर जाने का रास्ता यहाँ से बनाया हुआ है और ऑनर का जो काउंटर पर अंदर आने का रास्ता है वो रास्ता इन्होंने यहाँ से बनाया हुआ है ऑनर और स्टाफ का अंदर आने का रास्ता यहाँ पर है और कारखाने में जाने का जो रास्ता है वो अपना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग से बनता है इन्होंने अपना जो स्टोर बनाया हुआ है यहाँ पर तो इन्होंने अपना स्टोर बनाया हुआ है जिसकी एक एंट्रेंस तो अपनी बाहर से है और एक एंट्रेंस इनके अपनी अंदर से है एक एंट्रेंस इनके अपनी यहाँ पर है ये इन्होंने अपना कोल्ड स्टोर बनाया हुआ है यानी जो मिठाइयाँ आपकी इनकी तैयार होती है वो सारी स्टोरेज अपनी कोल्ड स्टोर के अंदर करते हैं साउथ ईस्ट के भाग में इन्होंने अपनी टॉयलेट बनाई हुई है और इसी के साथ में इन्होंने अपना एक वॉशिंग एरिया भी बनाया हुआ है ईस्ट की दीवार के साथ इन्होंने अपना मिक्सचर और ग्राइंडर लगाया हुआ है भटिया कहाँ लगाई हुई है भठिया इन्होंने अपने नॉर्थ वॉल पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पर इन्होंने अपने भट्टी लगाई हुई है और इनके यहाँ जो कारीगर है वो अपने यहाँ पर भी बैठ कर काम कर लेते हैं यहाँ पर भी बैठ कर काम कर लेते हैं यहाँ पर भी बैठ कर, कर काम कर लेते हैं यानी जहाँ जो स्पेस मिलता है वहाँ पर कारीगर बैठ के अपना काम कर लेता है और इन्होंने किया क्या हुआ है जो पीछे का एरिया है वो चार छः इंच फर्श के लेवल में ऊंचा है यानी जो आगे की शॉप है उस शॉप से चार छः इंच फर्श पीछे का एरिया ऊंचा है यानी से है। वेस्ट से ईस्ट का एरिया ऊंचा है और बैक साइड में इनके यहाँ अपनी एक सर्विस लेन भी है जिसमें एक गेट भी लगाया हुआ है वो गेट इन्होंने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है जब से इन्होंने अपना ये सेटअप किया है तब से इनका काम दिन प्रतिदिन स्लो होता चला गया और कर्ज भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है इसी के साथ इनके परिवार के जो मेंबर हैं वो भी इनका साथ देना छोड़ गए क्यों क्योंकि इनके यहाँ सबसे पहले तो जो गलत है साउथ वेस्ट में जो एंट्रेंस बनती है वो बिल्कुल गलत है सेकंड जो ओनर और स्टाफ का फेस है साउथ की ओर होता है ये गलत है थर्ड नॉर्थ में जो स्टोरेज बनाई हुई है इन्होंने ये गलत है फोर्थ में इन्होंने जो नॉर्थ वॉल पर भट्ठियाँ लगाई हुई है यानी नॉर्थ वॉल से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर भट्ठी लगाई हुई है तो ये मान के चलिए इनके यहाँ कभी भी पैसे की बचत हो ही नहीं सकती दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता ही जाएगा कारण चाहे कुछ भी बने भले ही दुकान पे इनकी वर्किंग अच्छी हो लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इनके सिर कर्ज बढ़ता ही जाएगा पहली बात तो दुकान पे वर्किंग अच्छी हो नहीं सकती यदि किसी कारण से वर्किंग अच्छी है तो भी इनके सिर कर्ज़ बढ़ता ही रहेगा साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर पानी आने से कहीं ना कहीं मोटा नुकसान जरूर लगता है वो यहाँ शॉप की वजह से लगे या कहीं और इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर मोटा नुकसान लगे कुल मिलाकर इस बिल्डिंग में काम करने वाले व्यक्ति हमेशा ही परेशान रहेगा परिवार का कोई भी मेंबर इस व्यक्ति का साथ नहीं देता है क्यों नहीं देता है क्योंकि उसकी अपनी जो सुबह से लेकर शाम तक बैठने की जो सीटिंग है वो बिल्कुल गलत है यानी जो स्वीट शॉप है इसकी वास्तु बिल्कुल टोटल गलत हो जाती है और हर व्यक्ति उस व्यक्ति का साथ देना छोड़ देता है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा यदि कोई आप अपना नया सेटअप बनाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इस प्रकार से आपका सेटअप नहीं होना चाहिए यदि आपका सेटअप ऐसा है और आपको इस तरह से परेशानी आ रही है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने सेटअप को जरूर चेंज करें जब तक आप अपने सेटअप को चेंज नहीं करेंगे तब तक आपके यहाँ परेशानी हमेशा बनी रहेगी दिन प्रतिदिन आपके यहाँ कर्ज बढ़ता ही रहेगा ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा यदि आप अपना सेटअप बनाने जा रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इसका बिल्कुल मिरर इमेज करके बनाएंगे तो आपका सेटअप बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और आपके यहाँ हमेशा ही वर्किंग बढ़िया रहेगी यानी कि आपका जो मेन गेट है जो एंट्रेंस है वो यहाँ पर होनी चाहिए काउंटर आपका एल शेप में यहाँ होना चाहिए ऑनर की सीटिंग यहाँ होनी चाहिए और कस्टमर की सीटिंग यहाँ होनी चाहिए।, चाहिए आपकी जो स्टोरेज है वो आपकी अपनी कंप्लीट साउथ वॉल पर होनी चाहिए एंट्रेंस स्टोर के अंदर कारखाने के अंदर जाने की वो बिल्कुल सही है जो बठियाँ यहाँ पर लगी है ये भटियाँ आपकी ईस्ट साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आनी चाहिए टॉयलेट और वॉशिंग एरिया आपका नॉर्थ जोन में आना चाहिए टॉयलेट आप यहाँ पर बनाएं और वॉशिंग एरिया आपका नॉर्थ ईस्ट के एरिए में होना चाहिए स्टोर और कोल्ड स्टोर आपका यहीं पर रहे ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपकी वर्किंग हमेशा ही बढ़िया रहेगी दिन प्रतिदिन आप आगे की ओर बढ़ेंगे और कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके यहाँ बनी हुई हर एक आइटम लोगों को पसंद आएगी आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और साइट विजिट कराना चाहते हैं तो साइट विजिट भी करवा सकते हैं आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी साइट का मैप भी बनवा सकते हैं ये सभी सर्विस हमारी चार्जेबल रहेगी पेड रहेगी हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसी हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा और इस पुस्तक को उन्होंने प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाया आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरी वीडियो को ध्यान से देखें सुने समझें और विचार करें आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है और आप परेशान हैं तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी जरूर करें इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार